चलिए मिलते हैं। बहुत दिनों बाद, तो बहुत देर से बंद होगी गाड़ी। इंस्पेक्शन लैंड का हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भोपाल। भोपाल में रहते थे तो भट्टे आंटी लोग एक्चुअली क्या है? अरे बाप रे, हाय, ये कौन है, क्या है आपका नाम? नेम बता दो। क्या है? अच्छा 20 फाइनल बट कैश दिखाएंगे आज, तो आप इन्हीं के साथ सोएंगे इन्हीं के घर में। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मंडे, साला बोरिंग डे, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। आप सबको गांधी जयंती की बहुत सारी बधाई। आजकल के माहौल में तो गांधी जी इरेलेवेंट हो गए ऐसा लगता है, जिसको देखो वही गाली दे रहा है गांधी जी को, बट हमारे लिए तो महात्मा है और हमेशा रहेंगे। तो हैप्पी गांधी जयंती टू यू ऑल। और सवेरे आज गार्डन से शुरुआत है, काफ़ी ककड़ियाँ लग रही हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। I'm going to the for one real estate work, उसके बाद farm जाऊँगा, उसके बाद rehearsal पे जाऊँगा, तो continuously busy 2nd October को भी, plus भोपाल का भी आएगा update, farm का भी आएगा, देखते रहिए। एक और दिन है भोपाल का update आने का, फिर तो आ ही जाएंगे बोले कल परसों। चलिए मिलते हैं। ड्रॉप मारी न्यू एम एल ए इंदू अंगड़ी के डी सी करेक्ट टू मारबी। हाँ तो अभी एक दोस्त को पिकअप करना है, इनफैक्ट उसी की गाड़ी में जा रहे हैं, उधर से फिर निकल जाएंगे दुधबलापुर, नहीं चिकबलापुर, फिर दुधबलापुर होते हुए वापस शाम को घर, शाम को फिर गंगानगर जाना है ताजमहल का उद्घाटन। देखो बच्चों ने अभी तक कुछ वीडियो भी नहीं डाले, भोपाल के कुछ वीडियो आने वाले थे। एनीवे शाम तक टाइम है, शाम को ही भेजता है वो सब पट पट पट, तो बने रहिए, बताते हैं आपको क्या क्या देखने जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या दोपहर, गुड आफ्टरनून बोलो, क्या आफ्टरनून है यार, गरम गरम आज, हाँ भयंकर गरम। यही है साहब, देखिए अभी नए दोस्त से मिले, मतलब सुशीन से मिले हैं, और बैंगलोर वाले नए दोस्त नहीं पुराने दोस्त, मतलब अभी अभी मिले हैं बहुत दिनों बाद, तो बैंगलोर वाले इतने वो बिगड़ गए हैं फॉर वेदर कि देखिए 22 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री, 29 डिग्रीज दिखा रहा है आउटसाइड टेम्परेचर, बताइए। देखिए 29 डिग्रीज इज वेरी हॉट आई बिलीव, कभी दिल्ली वालों से पूछो, भोपाल वालों से पूछो। चलिए अब ये इसकी गाड़ी में शिफ्ट हो गए, चमचमा रही है, बट आज बास से जैसी आ रही है कुछ, मेरा डिओड्रेंट है, नहीं डिओड्रेंट में बास आती है क्या? इनका बिला सोसाइटी, मैं बता नहीं सकता फॉर द सिक्योरिटी रीजंस कहाँ पे है ये। हाई सिक्योरिटी एरिया है ये, तो ये बिला प्रोजेक्ट है, नई सिटीज। तो अब हम जा रहे हैं चिकबलापुर, जैसे कि मैंने बताया था आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा। लगाएंगे यार, लगाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब इंस्पेक्शन लैंड का हो गया, अब जो सज्जन हमारे साथ लैंड देखने आए थे वो चाहते हैं, वॉल्यूम कम कर, वो चाहते हैं कि
वो भी देखना चाहते हैं जो फार्म अपन डेवलप कर रहे हैं ना भैरवी, तो उनको वही लेके जा रहे हैं, मिलवाते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भोपाल। आज फिर से हम कहीं और जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं आप पूछोगे, आज हम जा रहे हैं भटेजा आंटी लोगों के घर। वो जैसे अभी तो हमने आपको मम्मी का पुराना घर दिखा दिया, पापा का कहाँ, वो भी भोपाल में रहते थे। तो भटेजा आंटी लोग एक्चुअली पापा के नेबर थे, तो जो पापा का घर है उसके बगल में ही हम जा रहे हैं, उसके बगल वाला घर, और आपको दिखाएंगे, सबसे मिलाएंगे, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बड़ी सी फैमिली है अच्छी, और दिखाएंगे आपको, बातचीत भी दिखाएंगे क्या चलता है। ये हम आ गए हैं मिलन की दुकान में, यहाँ से हम हमेशा जब भी भोपाल आते हैं एटलीस्ट 10-20 किलो नमकीन लेके जाते हैं, क्योंकि ये बैंगलोर में है नहीं ना, और यहाँ के जैसे नमकीन तो कहीं और मिलते ही नहीं है यार। अभी हमको जहाँ जाना है उनके घर के लिए थोड़ा सा मिठाई विठाई कुछ लेके चलते हैं, तो यही है। क्या क्या लेना है मम्मी? हैं? ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या नई नई चीज आने लगी यार, चॉकलेट केसर, चॉकलेट ड्राई फ्रूट लड्डू, ये सब क्या है यार, ये सब तो कभी देखा ही नहीं है मैंने पहले। तो यहीं पे अब नमकीन वमकीन तो ले लिया ऑलरेडी, देवान से रिकॉर्ड करना भूल गया था, मैं नहीं गया था उस दिन, तो अब थोड़ी मिठाई लेते हैं और फिर से जर्नी में चलते हैं, और फिर जब उतरेंगे वहाँ पे सबसे मिलेंगे, फिर आपको देखेंगे। हमने खरीद ली मिठाई उनके लिए, दिखा, ये है मिठाई उनके लिए, और अब बैठते हैं वापस रिक्शा में और चलते हैं। चलो हम आ गए हैं अंदर, और ये है दादी, कैसे हो आप? मेरे को दांत तो लगाने दे। और ये सब बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है सबकी। मैं आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो ये आप बैठ गए सबके साथ, सब लोग हाय बोलो, हाय हाय। ये कौन है, क्या है आपका नाम? नेम बता दो, नाम बता दो जल्दी बता। अरे तो ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं सब लोग, पापा के कांड बता रहे थे, पता नहीं क्या क्या होली में क्या क्या किया है और शादी में क्या क्या करते थे, वही सुन रहे हैं सबकी बातें, मस्त बातचीत हो रही है यहाँ पे। क्या क्या किया है पापा ने? दादी बताओ क्या किया पापा ने? अरे क्या बिन्नू बहुत शैतान था, घुसता जाता था, मना करते थे तो भी कहता था बाय 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 बाय। तो ये है पापा का पुराना घर। माँ ये है ना? मम्मी ने बोला हमारा। तो यही है, अब तो ये भटेजा इंस्टीट्यूट बन गया, लेकिन यहीं पर रहते थे, देवाज भी इसी घर में पैदा हुआ था, मैं तो कभी रहा नहीं हूँ यहाँ पे। और ये है आम का पेड़ है, नारियल का पेड़। हाँ ये पीछे वाला आम का पेड़ बहुत सही था यार, यहाँ पे ऊपर छत पे जाके इधर आम निकाल सकते थे, यहाँ पे आके अच्छा लगता है। मैं तो इस घर में कभी रहा नहीं हूँ, देवाज रहा है, और हम तो पहले आते थे हर साल यहाँ पे, अब थोड़ा कोविड के समय थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अब भी आएंगे वापस रेगुलरली, मीटिंग तो हो जाएगी अब, तो चलते हैं। ये तो ये हम चॉकलेट ले आए छोटू के लिए, हम सबको बांट भी दी इसने, एक एक खा के, और सबको बांट भी दी हम सबको, सुहाबी इतनी क्यूट है। और हेलो बोलो सुहाबी, हेलो बोलो बिन्नू दादू का है, हेलो बिन्नू दादू बोलो, तेज बोलो। हेलो गाइस कर दो, अच्छा हेलो गाइस, कैसे हो गए दादू? बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ अभी बिजी है, तो इसका मेरे जैसे ही है, जेमजी खाती है ये भी मेरे जैसे एकदम, जब मैं छोटा था वो ही बोल रही थी मम्मी, क्या बोल रही हो? हेलो बोलो, हेलो बोलो, इधर देखो, हेलो बोलो, अरे वाह यार बोल दिया।
करो कैसे करते हैं और म्याओ किधर आती है म्याओ कहाँ पे आती है अच्छा अच्छा और इंस्टीट्यूट में कौन आता है दादी के इधर से किधर चाचा चाचा तो बताओ चाचा बोलता है तो म्याओ इंस्टीट्यूट में कौन आता है अच्छा डॉगी 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 अच्छा कौन कौन से डॉगी है डॉगी के नाम को बता दो कौन से डॉगी है गुन्नू है और एक गुन्नू है तो यही पापा के शादी के कांड सुने जा रहे हैं अभी और ये एक और दादी आई हुई है यहाँ पे मम्मी के साथ गपशप हो रही है नहीं पीटर को नहीं यार हाँ तो फाइनली हम आ गए ताजमहल का उद्घाटन की रिहर्सल के लिए रिहर्सल नहीं एक मीटिंग है जनरली आज हमारे पुराने शहंशाह भी आए हैं देखिए वार डॉक्टर नहीं ताजमहल का सेंटर का देख कोलेट्रल की एक फाइल होगी मुन्नू यश भी आया आज और इससे पहले अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी नौटंकी देखता है नमस्कार भैया जी कैसे हैं आप नमस्कार नमस्कार शर्मा जी ठीक हूँ आप बताइए इधर कैसे आना हुआ कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही निकला था प्रदूषण चेक कर रहा हूँ कोई नया अभियान चल रहा है क्या शर्मा जी हाँ आजकल प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया है आपके होटल भी गया था बंद करना पड़ेगा उसे तो अब इसको आपकी फैक्ट्रियां भी चेक करनी है इसको ऐसे बोल कोई नया अभियान चल रहा है क्या यहाँ हाँ आजकल प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया आपके होटल भी गया था बंद करना पड़ेगा उसे तो आपकी फैक्ट्रियां भी चेक करनी है क्यों शर्मा जी क्या हो गया वही प्रदूषण कुछ करते भी तो नहीं हो आप खुद ही समझदार हैं ओह समझा 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 आप खुद ही बता दीजिए कितना प्रदूषण बनता है आप मेरे ईमान का सौदा करना चाहते हैं अरे जी हाँ बिजनेसमैन हूँ भाई सौदा ही करता हूँ बोलिए 10 लाख काफी है आप सोचते हैं 10 लाख में मेरा ईमान खरीद लेंगे जी 10 लाख में जी हाँ मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है तो कितना चाहिए आपको 1 करोड़ 1 करोड़ अरे आपकी मजाक करने की आदत पड़ गई शर्मा जी लगता है आप अपना ईमान अपने पास ही धरे रहिए 1 करोड़ इतने में तो मिनिस्टर मिल जाता है कानून ही बदला जा सकता है अच्छा 50 नो अच्छा 25 नो आप मुझे खरीदना चाहते हैं ना जी हाँ ऑफकोर्स तो खरीदते क्यों नहीं आप आदमी हैं या पैजामा अच्छा 20 फाइनल और कैश नहीं आपका ये डालो बोलो आप आदमी हैं या पैजामा अच्छा 20 फाइनल बट कैश
ओके ओके ओके, चुनाव का समय है, हर एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं, वरना मैं 10 लाख के ऊपर एक चवन्ने भी नहीं देता आपको। मैं भी चुनाव की वजह से जल्दी में हूँ, वरना। अच्छा एक बात बताइए। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं भी आपकी ही बिरादरी का हूँ। तो फिर आप मुझसे भी? भैया जी देखिए, इस मामले में मैं बिल्कुल सेक्युलर, निरपेक्ष, धर्म कोई जात पात का भेदभाव भी नहीं करता। अच्छा चलता हूँ, जल्दी में हूँ। और हाँ, जाते जाते एक सलाह दे दूं, आप चुनाव से हट जाइए। क्यों भाई? आप बादशाह से टक्कर लेंगे, जानते हैं क्या हश्र होगा, सभी जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ जाएंगी, छापे पड़ेंगे, पुराने टैक्स वसूले जाएंगे, गड़े क्या सड़े गले सारे मुर्दे उखाड़े जाएंगे, आपका बिजनेस बैठ जाएगा, कुड़की होगी, आप कंगाल हो जाएंगे, जेल भी जाना पड़ सकता है, समझ रहे हैं आप? हम लोग तो इसके बाद खाना खाने 100% जाएंगे। आज ही मोड़ से ही आए रुकने के, कपड़े भी लाए वाले। अच्छा अच्छा, क्या है अपने ही तो घर है। वही मैंने कहा वहाँ जाना था, एक दिन तो रुकना ही है। सही बात है, आज मजे करो, कल आ जाना। तो ये हम निकल गए हैं, अब मम्मी को ड्रॉप करेंगे और फिर मस्त खाना वाना खाएंगे, है ना मम्मी? हाँ हाँ, मम्मी ने तो बोल दिया हमारा इंडिपेंडेंस डे आज। बोल दिया। और ये अनु भैया गाड़ी चला रहे हैं, अभी को ड्रॉप कर कराएंगे। तो ये विदाई हो रही है, तो ये मम्मी की विदाई हो रही है, अभी हमको तो छोड़ के जा रही है मम्मी, और ये जा रही है मम्मी घर के अंदर। बाय बोलो, अब कल दिखेगी मम्मी, आज तो आज का कोटा खत्म। तो ये हम आ गए हैं खाना खाने, कोई कंट्री साइड मेडोज नाम की जगह, एकदम जंगल के बीच में, मस्त मूड है यहाँ पे। तो ये दीवान शाह है, काकू भैया और अनु भैया भी आए हैं, तो जगह तो मस्त लग रही है, खाना देखते हैं। और ये हम कौन सा डैम है, कलियासोत डैम पे आए हैं अभी। आप लोगों को तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, बहुत अंधेरा हो रहा है, बट ये सब डैम का ही पानी है, आंखों से तो दिख रहा है बट कैमरा में मालूम नहीं। तो आप सीधे घर चलते हैं, और व्लॉग को मैं भोपाल की तरफ से इधर ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि फिर पापा को क्लिप्स भेजनी है, वो लेट हो जाएगा। तो चलो आप कल दिखाएंगे, आज तो आप इन्हीं के साथ सोएंगे, इन्हीं के घर में। तो चलो गुड नाइट।